तो वही ये दिल्ली है और दिल्ली में कुछ कर्फ्यू इस तरह से मनाया जा रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, कर्फ्यू मनाया जा रहा है। जनता का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है कर्फ्यू को, उन्होंने अपने आप को घर के अंदर ही रखा और प्रधानमंत्री के फैसले को सपोर्ट किया। इट इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि अगर हम ये एक से दो हफ्ते करते हैं देन इंडिया में कोरोना की सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी जितनी कि बाकी कंट्रीज़ में हुई है। क्योंकि कर्फ्यू को अगर इस तरह से सपोर्ट किया है तो हम इंडिया को बाकी देशों की तरह जिस तरह से बर्बाद हुई है, चाइना, इटली, फ्रांस, ईरान, हम उस सिचुएशन से तो बचा ही सकते हैं। एंड इट इज़ रियली ऑसम लोग जिस तरह से कर्फ्यू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कम देखने को मिलता है। मैं अचानक से टेरेस पे आती हूँ, मुझे रूम और आवाज़ आई और मैंने जो बाहर देखा कि समझ में नहीं आया लोग ये थालियाँ क्यों पीट रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया ये जो है कर्फ्यू की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले थे तकरीबन सुबह से ही, और चूँकि रात तक है कर्फ्यू, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, एक दिन के कर्फ्यू से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि ये तो हाल है दिल्ली का, तो दिल्ली में कुछ कर्फ्यू इस तरह से मनाया गया। कमेंट सेक्शन में अपने एरिया का कर्फ्यू ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, वहाँ भेजिए वीडियो, आई मीन टू से भेजिए और बताइए कि किस तरह से आपके यहाँ के लोगों ने कर्फ्यू को मनाया। क्योंकि दिल्ली वालों ने इसको एक इम्पोजिशन की तरह ही नहीं, एक सेलिब्रेशन की तरह देखा है, जो कि काबिल-ए-तारीफ़ है।